और यहां आपको बताएं कि नैब ने चौधरी बिरादरान को कल फिर तलब कर लिया। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही को कल सुबह 11 बजे पेश होने की हिदायत जारी कर दी गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं राहिल सैयद से। राहिल आगाह कीजिएगा। राहिल से भी तफसीलात जानेंगे। नैब ने चौधरी बिरादरान को कल फिर तलब कर लिया है। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही को कल सुबह 11 बजे पेश होने की हिदायत की गई है। ये अहम मरहला है जहां पर एक जानिब तो असम्बली का इजलास भी कल जारी होगा, दूसरी जानिब नैब में भी पेशी जो है बुला लिया गया है चौधरी बिरादरान को। आज भी ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिली जब ख्वाजा सादफी को नैब में तलब किया गया था, लेकिन वो दूसरी जानिब असम्बली के इजलास के अंदर मौजूद थे और हल्फ उठा रहे थे पंजाब असम्बली के अंदर। उन्होंने जाने से माजत कर ली और उनका वकील पेश हुआ। कल के हवाले से बात कर ली जाए तो कल भी असम्बली का इजलास होगा। नैब ने चौधरी बिरादरान को कल नैब में तलब किया है। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही को कल सुबह 11 बजे पेश होने की हिदायत की गई है, जबकि कल असम्बली का इजलास तकरीबन 10 बजे शुरू होगा, जिसमें चौधरी परवेज इलाही स्पीकर के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं और 10 बजे इजलास शुरू होगा और उसके बाद उनकी मौजूदगी वहां पर होगी। तो देखना यह है कि कल क्या ये पेश होंगे या नहीं होंगे, या चौधरी शुजात पेश हो जाएंगे, चौधरी परवेज इलाही पेश होंगे या नहीं होंगे।